गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर EVS क्लास. ओपन लेसन नंबर 8, लिविंग थिंग्स, पेज नंबर 46. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट लिविंग थिंग्स. सो लेट अस स्टार्ट. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, फूड एंड सनलाइट. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एयर, वाटर, फूड और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है. सनलाइट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइट, हीट एंड एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. जो सनलाइट है वो मेजर सोर्स है लाइट की, हीट की, एनर्जी की, सभी लिविंग थिंग्स के लिए. ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर, फूड एंड वाटर टू सर्वाइव. सभी एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको एयर, फूड और वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए. वी ऑल्सो नीड अ शेल्टर फॉर सेफ्टी एंड कम्फर्ट. हम लोगों को एक शेल्टर की भी नीड है फॉर सेफ्टी एंड कम्फर्ट. मोर ओवर 50-65% ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर. जो हमारी बॉडी है वो 50-65% उसमें वाटर कंसिस्ट करता है. वी नीड वाटर एवरी डे फॉर वेरियस पर्पसेस. हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इन आर डेली लाइफ डिफरेंट पर्पसेस के लिए. प्लांट्स हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ यूजिंग दीज रिसोर्सेज टू सर्वाइव. जो प्लांट हैं उनके खुद के सिस्टम होते हैं इन रिसोर्सेज को यूज करने के फॉर देयर सर्वाइवल. लुक एट द पिक्चर गिवन हियर. यू कैन सी दैट अ प्लांट हैज़ टू पार्ट्स, द रूट्स एंड द शूट्स. प्लांट के टू पार्ट्स हैं, रूट्स और शूट्स. द पार्ट अबव द ग्राउंड इज द शूट. जो प्लांट का पार्ट है अबव द ग्राउंड दैट इज नोन एज शूट. और एंड द पार्ट बिलो द ग्राउंड इज द रूट. और जो प्लांट का बिलो द ग्राउंड जो पार्ट है उसे बोला जाता है रूट. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट्स. प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं. द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेस. जो शूट सिस्टम है उसमें ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. ये देखो, ये जो शूट वाला पार्ट है इसमें लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्लावर है. ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर. जो ग्रीन प्लांट हैं वो फूड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर. एयर से, वाटर से एंड सनलाइट से, और सनलाइट से भी बना सकते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. लिविंग थिंग्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो भी करती हैं एंड रिप्रोड्यूस भी करती है. लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. जो लिविंग थिंग्स होती है वो अपने यंग वंस को बर्थ देती है जो उन्हीं की तरह होती है. मैमल्स लाइक कैट्स, काउज एंड डियर गिव बर्थ टू बेबीज. और जो मैमल्स होते हैं जैसे कि कैट, काउज और डियर, ये बर्थ देती हैं बेबीज को. वाइल सम एनिमल्स ले एग्स. और जबकि कुछ एनिमल्स होते हैं जो एग्स देते हैं. फिश, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स ले एग्स. जो फिश है, बर्ड है, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, ये सभी एग्स ले करती है. प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वे. और जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस डिफरेंट वे में करती हैं. मैनी प्लांट्स हैव सीड्स फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट कैन ग्रो. काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीड्स होती है और जिससे न्यू प्लांट ग्रो करता है. सम प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल रोज कैन ग्रो फ्रॉम द स्टेम कटिंग ऑफ द प्लांट. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं लाइक रोज जिनकी स्टेम कटिंग करने के बाद प्लांट ग्रो होता है. सम प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम फ्लैशी लीव्स और अंडरग्राउंड स्टेम टू. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रो करती हैं फ्लैशी लीव से, या फिर उनके जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है वो उनसे भी ग्रो करती है. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. जो लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ भी करती है. लिविंग थिंग्स इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो इनहेल करती है ऑक्सीजन को और एक्सहेल करती है कार्बन डाइऑक्साइड.
mammals and birds such as human beings, horses, buffaloes, dogs and pigeons have lungs which help in breathing. Mammals, birds, human beings, horses, buffaloes, dogs, pigeons, इन सभी में lungs होती हैं जो help करती है breathing में. Insects breathe through tiny holes present on their bodies. जो insects होती हैं वो breathe करती हैं जो उनकी body में tiny holes होती हैं उसके through. Fishes breathe underwater using their gills. और जो fish होती है वो breathe करती है अपनी gills को use करके. Underwater वो अपनी gills को use करेंगी और तभी वो breathe कर सकती है. Plants have tiny pores called stomata. जो plants होते हैं उनमें tiny pores होते हैं जिसे stomata बोला जाता है. On their leaves to breathe. Stomata leaves में present होती हैं और उसी के through जो plants होती हैं वो breathe करती है. Is it clear students? Living things show movement. जो living things हैं वो movement भी show करती है. Animals, insects, birds and fishes move from one place to another in search of food or water or to escape any danger. Animals, insects, birds, fishes ये सभी one place से another place move करती है क्योंकि वो search करती है food, water and in some cases danger से escape करने के लिए. Human beings too travel both short and long distances for different purpose. Human beings भी different purpose के लिए travel करते हैं कभी short distance या कभी long distance. For example, you go to the school every day. For example, जैसे आप लोग school daily जाते हो उसी तरह से आपका purpose क्या है. आपका purpose है study करना to learn new things. उसी तरह से different human being के different purposes होते हैं जिसकी वजह से वो ट्रैवल करते हैं. प्लांट्स एंड ट्रीज कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे डू शो मूवमेंट. जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो मूव नहीं करते वन प्लेस से अनदर बट वो फिर भी मूवमेंट करते हैं. दे रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट अराउंड देम और वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं जो उनके अराउंड एनवायरनमेंट होता है. Over times, shoots grow and leaves turn towards the sun. With the time being, जो shoots हैं वो grow करती है और जो leaves हैं वो sun की towards turn भी करते हैं. Flowers can open and close. जो flowers हैं वो open भी होती है और close भी हो जाती है. For example, crocus vernus flowers open in the sunlight. एग्जाम्पल के लिए क्रोकस वर्नस जो फ्लावर है वो सनलाइट में ओपन हो जाती है एंड क्लोज व्हेन द सन सेट्स और वो क्लोज हो जाती है जब सनसेट हो जाता है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? टुडे वी हैव लर्नड दैट लिविंग थिंग्स नीड एयर वाटर फूड एंड सनलाइट. दे ऑल्सो ग्रो एंड रिप्रोड्यूस दे ब्रीथ एंड लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट. आई होप you have understood these topic very well. Read this chapter carefully. Okay, students? Thank you. Goodbye.